नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें राजस्थान की और राजस्थान के इंटरव्यू की। जब राजस्थान के इंटरव्यू की बात करते हैं तो बड़ी दिक्कतें हो रही है। RJS के इंटरव्यू की डेट आ गई, ये तो ठीक है। अब इस इंटरव्यू की डेट में गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ ये हो रही है कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। जो OBC वाले हैं उनके बड़ी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। जो OBC वाले हैं उनके सर्टिफिकेट को लेकर दिक्कत हो रही है। या तो उनके पास 2022 का है, या उनके पास 2018 का है, या उनके पास 2015 का है, और सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ बच्चे जो है कंफ्यूज हो रहे हैं। तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन है? एक काम कर सकते हैं आप राजस्थान हाईकोर्ट को कॉल करें और कहें सर ये दिक्कत आ रही है, आप हमें सजेशन दें हम क्या करें। या फिर आप दूसरा काम कर सकते हैं, SDM के पास जा सकते हैं, उनसे कह सकते हैं सर मेरे पास ये दोनों वाले हैं लेकिन हमारा हाईकोर्ट ये मांग रहा है, बताइए आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। या तो आपको SDM मदद करेगा और या फिर आपकी राजस्थान हाईकोर्ट मदद करेगा। लेकिन परेशान मत होइए क्योंकि ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आप चिंता मत करें। इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। इसके लिए आपके पास दो ही वे हैं, या तो SDM के पास जाइए और या फिर आप जाइए किसके पास, राजस्थान हाईकोर्ट के पास। फिर इसी सिलसिले में सेकेंड बात करूँ तो हमें दिक्कतें आ रही हैं EWS सर्टिफिकेट में, सेम टू सेम एक ही दिक्कतें आ रही है। तो EWS वाले से मैं कहूँगा आप हाईकोर्ट जाइए। अब आप कहेंगे मैं तो जोधपुर नहीं रहती, मैं बाहर रहती, तो पहले तो जो जोधपुर रहता है वो जोधपुर में जाके आइए। जो नहीं रहता वो मेल कीजिए कि सर मेरी ये दिक्कतें आ रही है, आप मुझे बताइए। वहाँ का कोई कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपसे मिलता है तो आप पूछिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बताइए। 100% वो आपकी मदद करेंगे। देन आता आपके पास तीसरी बात कि ड्रेस को लेके, जैसे बच्चे मुझसे बात करते रहते मैं क्या ड्रेस पहनूँ। लड़कों के लिए तो ईजी हो गया, लड़कियों के लिए साड़ी के ऊपर भी आपको ब्लैक कोट पहनना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ यूनिफॉर्म डिफाइन कर रखी है, और अगर आप साड़ी पहनते हैं तो भी यूनिफॉर्म में आपका कोट आता है, तो इसलिए आपको पहनना ही है। तब जरूर साथ लेके आइए, ये तो उस समय भाग दौड़ करोगे कोई मुझे दे दो कोई मुझे दे दो, इससे अच्छा अपने साथ कैरी करें। ठीक है, आप सुंदर से जूते पहन सकते हैं ब्लैक कलर के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूनिफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए और साथ ही साथ आपका प्रेजेंटेशन सुंदर होना चाहिए। आप जब खड़े हो तो सुंदर लगना चाहिए। यस, ये वो पर्सनैलिटी है जिन्हें हमें सेलेक्ट करना है। तो सभी सुंदर ही तैयार होकर आएंगे, एकदम अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग करके आएंगे। बस अब नेक्स्ट 10 डेज आपको रिलैक्स होना है, किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए भी भाग दौड़ नहीं करनी है, आराम से करें, हो जाएगा। आपको पता है घर में जब मैरिज होती है तो शादी से पहले काम निबड़ जाता है। प्री का एग्जाम होता है, प्री से पहले कोर्स कंप्लीट हो ही जाता है। मेन का एग्जाम होता है, मेन से पहले कोर्स कंप्लीट हो ही जाता है। तो ये आपका इंटरव्यू है और इंटरव्यू से पहले आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। बस सांस को ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं, बस नॉर्मल रहने की कोशिश कीजिए, सारा काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम बात करते हैं कि इतने दिन से आप डॉक्यूमेंट बहुत परेशान हो गए, पढ़ाई करना बंद कर दिया है, तो फिर से सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस जो है मॉक इंटरव्यू लेकर आ गई है और ये हमारा तीसरा राउंड है। यानी हम लोग करते रहते हैं मॉक इंटरव्यू, सेकेंड थर्ड, आई थिंक हमने 3 बार कर लिया है, इस बार हम 4th टाइम कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं दिए वो जल्दी से ज्वाइन करें और अपना मॉक इंटरव्यू दें। जिन्होंने दे दिया है वो दोबारा अपना फीस सबमिट करके फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, फिर से, क्योंकि पहले उनके उनके टास्क के हो गए, फिर से करना चाहिए कर सकते हैं। इस बार हमारे पास 2 पैनल होंगे, पैनल नंबर 1 पैनल नंबर 2। एक पैनल में हमारे पास 3 लोग बैठते हैं, यानी टोटल आपसे 6 लोगों की मुलाकात होगी, और जो पहले दे चुके उससे टोटली डिफरेंट होंगे ये पैनल, एकदम नए पैनल होंगे। तो जो रिन्यूअल करा के आना चाहे वो आ सकते हैं। हाँ जी, हमारे यहाँ फाउंडेशन कोर्स में भी रिन्यूअल होता है और हमारे यहाँ पे मॉक टेस्ट में भी रिन्यूअल है। रिन्यूअल आपको हमेशा मिलेगा हमारे यहाँ पर, तो आप रिन्यूअल करा के आ सकते हैं। हमारी पहली प्रायरिटी रहते हैं कि हम लोग आपके पैनल में जो डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर हैं या ADJ रिटायर्ड हैं उनको लेके आते हैं। हाईकोर्ट जज को नहीं लाते, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बट हाँ डिस्ट्रिक्ट जज को रिटायर्ड जो उनको लाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो AG है, क्योंकि हमें मानते हैं जो AG होते हैं उनके पास वही क्वालिफिकेशन जो हाईकोर्ट जज बनने की होती है। ठीक है, तो 3 तरह के लोग बैठते हैं यहाँ पे। एक आपको पर्सनलिटी को लेकर क्वेश्चन करता है, एक आपके लॉ से रिलेटेड करता है, तो एक राजस्थान की कल्चर और राजस्थान की जीके को लेकर क्वेश्चन करता है। देन वो आपको मार्किंग देते हैं, उसके साथ ही साथ जैसे आपका इंटरव्यू खत्म होता है तो आपको ओवरव्यू भी देते हैं कि आपकी कहाँ किस चीज की ठीक करने की जरूरत है उसके बारे में आपको बताते हैं। आपके मन में कोई क्वारी आप उससे पूछ सकते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं। तो ऐसे करके इंटरव्यू चलेगा। इसकी जो फी है वो है 1000 रुपीज, 1000 रुपये फीस है। इसका रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं 9950574600 नंबर पे। आप मुझे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी करा सकते हैं। आप ये इंटरव्यू ऑनलाइन भी दे सकते हैं और ऑफलाइन भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। बस ऑनलाइन में आपको ध्यान रखना है कि जूम ऐप पर कराते हैं हम लोग, तो जूम ऐप पर कराने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए। यदि आपके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं होगा तो आप इंटरव्यू देते हुए बीच में आपका कट जाएगा,
तो ये तभी आपके लिए पॉसिबल है जब आपके पास एक अच्छा नेटवर्क हो। तो हम जूम पे लाइव चलाते हैं, हम कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं किसी तरह की, हमारे को रिकॉर्डिंग इनकी नहीं करते हैं ताकि ना आपको दिखाते ना बाद में कभी हमें डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। हमारा जो मेन फोकस होता है वो यही रहता है कि बस आपका सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन, और किस तरह से हम आपकी आपके लिए मेहनत कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इंटरव्यू के बाद एक क्लास भी होगी आपकी, जो ऑफलाइन आके देना चाहे वो दे सकता है, ले सकता है, नहीं तो ऑनलाइन रहेगी 19 अगस्त को होगी क्लास, जिसके अंदर आपको रूम में एंट्री करने से लेकर रूम से बाहर जाने तक का सारी चीजें बताई जाएगी। कैसे बैठना है, स्ट्रेट बैठना है, हैंड मूवमेंट कैसे करना है, आपका आई कॉन्टेक्ट कैसा होना चाहिए। ये क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगी, लेकिन हमने 19 इसलिए चुनी है कि कुछ बच्चे जोधपुर आ चुके होंगे उस समय तक, ताकि वो ऑफलाइन भी अटेंड कर पाए, बाकी जो नहीं आ पाएंगे उनके लिए हम ऑनलाइन सेटअप भी साथ में लगाएंगे। तो बस अब जो पीछे रह गए हैं वो फिर जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराइए, और इतने दिन से डॉक्यूमेंट की जो परेशानियों से हैं उनसे बाहर निकलिए और फिर से अपनी तैयारी में लग जाइए। और जो पहले दे चुके वो भी रिन्यूअल करा के दोबारा देने के लिए आ सकते हैं। इस बार जो पैनल होगा वो टोटली नया होगा, क्योंकि वो रिन्यूअल करा के आओगे तो सेम पैनल से मुलाकात नहीं करेंगे, आपको नए पैनल से करवाएंगे। इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। अब आता है दो तीन चीज़ें और बात करते हैं अपन एफिडेविट के बारे में। किसके बारे में? दहेज के बारे में। इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं पिछली बार सिर्फ लड़कों को ही देना पड़ा लड़कियों को नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैंने लड़कियों के लिए भी बनवाए थे। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि दोनों को बनाना है, क्योंकि दहेज ना तो हम देंगे और दहेज ना तो हम लेंगे, तो मेल को भी बनाना, फीमेल को भी बनाना। अब कन्फ्यूजन नहीं हो गया, कोई 50 रुपये के स्टाम्प पे बना रहा है, कोई 10 रुपीज़ के स्टाम्प पे बना रहा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हमें डाउट लगता है तो 50 रुपीज़ के स्टाम्प पे बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आप दोनों लैंग्वेज में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हो। आप हिंदी में भी बना सकते हो, इंग्लिश में बना सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपको किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट का परफॉर्मेंस चाहिए, आप मुझसे कॉल मैसेज करके ले सकते हो। यदि आपको किसी डाउरी वाला एफिडेविट का कुछ परफॉर्मेंस चाहिए, तो वो भी आप मुझसे कॉल मैसेज करके ले सकते हो। वो दोनों मेरे पास अवेलेबल है, आप ले लीजिए। उसके बाद आते हैं आपकी जो मार्कशीट है वो आपकी सेल्फ अटेस्टेड करनी है। आपको तीन सेट बना लेना अपने, ताकि अपने पास दो तो जमा हो जाएंगे फिर भी अपने पास रखें, तो आप अपने तीन सेट कर लीजिए। सेल्फ अटेस्टेड खुद ही का होता है। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपके मोहल्ले के किसी भी रेप्यूटेटेड पर्सन के थ्रू हो सकता है। कुल मिलाकर जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वेरीफाई कर रहा है वो खुद एक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए, बाकी आप किसी से भी करवा सकते हैं। मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वारी आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? डरे नहीं, डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, घबराए नहीं, सब चीज़ें आपके पास हैं, और किसी को भी बाहर नहीं निकालेंगे, वो सिलेक्शन करेंगे आपका, आपका इंटरव्यू भी लेंगे, आप टेंशन मत करो। ऑल द बेस्ट आज के लिए, धन्यवाद।